दिल्ली में चलती बस में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का इतना ही कसूर था कि वो अपने मोबाइल छीने जाने का विरोध कर रहा था। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मोबाइल के लिए वारदात, स्कूल ड्रेस में आए कातिल, दिल्ली में मर्डर ऑन व्हील। दिल्ली में लोग कहां सेफ हैं? न तो घरों में और न तो सड़कों पर। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में गुरुवार शाम चलती बस में बीकॉम ऑनर्स के छात्र मोहम्मद अनस की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक हत्या करने वालों में से 4 से 5 युवक शामिल थे, जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मोहम्मद अनस बस में मोबाइल लूटने का विरोध कर रहा था। बस इसी बात पर बदमाश युवकों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। बस में सवार दूसरे लोग वारदात का तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी बदमाशों को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं की। वारदात के बाद वो बड़े आराम से बस से उतरकर चलते बने। 479 बस की रूट पे धर्म और आश्रम से 4-5 बच्चे चढ़े और उसके साथ में एक सवारी आई। वो बोलने लगे मोबाइल मोबाइल दो, मेरा मोबाइल दो। आपस में गुत्थम गुत्था हुई और बच्चों ने उसको चाकू मार दिया। पंजाबी बाग से सर बदरपुर बॉर्डर आश्रम और NFC के बीच में घटना हुई। पंजाबी बाग से बदरपुर के बीच चलने वाली रूट नंबर 479 नंबर की क्लस्टर बस में अनस लाजपत नगर में सवार हुआ था। रात करीब 8 बजे कुछ ही दूरी पर आरोपी बदमाश भी बस में चढ़े थे। हादसे के बाद बस ड्राइवर ने बस को रोका और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बस से भेजा था उसको गोखला के लिए। अच्छा, उसी बीच में जो भी वारदात हुई इसके बारे में मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ता, BCOM फर्स्ट में। तो बस में जब चढ़ा वो तो बस में उसको जेब कतरों से घेर लिया वहाँ पर। उसके पास एंड्रॉइड फोन था MI का, जो छीना झपटी में, जब वो छीन रहे थे उससे, तो वो उसी छीना झपटी में उसके गर्दन पे चाकू से वार करा, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सभी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस की एक टीम वारदात वाले इलाके के आसपास आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अगर उस बस में कोई भी बदमाशों को रोकने की कोशिश करता तो मृतक की जान बचाई जा सकती थी। शहनवाज, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।